गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन केडी शिवम। आज हम जो मैक्सिम करने वाले हैं वो है इक्विटी लुक्स टू द इंटेंट रेदर देन द फॉर्म। लैटिन में से कहते हैं एक्विटास स्पेक्टाट इंटीरियोरम नॉन फॉर्म। मैम वापस बोल रहा हूँ, एक्विटास स्पेक्टाट इंटीरियोरम नॉन फॉर्मम। इसका मीनिंग क्या होता है? कॉमन लॉ वॉज वेरी रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। इट कुड नॉट रिस्पॉन्ड फेवरेबली टू द डिमांड ऑफ टाइम। इट रिगार्डेड द फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन टू बी मोर इम्पॉर्टेंट देन इट्स सब्सटेंस। इट लुक टू द वेरी लेटर ऑफ द एग्रीमेंट एंड नॉट द इंटेंशन बिहाइंड इट। यस, एज वी नो दैट कॉमन लॉ ओनली स्टिक्स टू द लेटर। जो लिखा है, जो दिख रहा है वही, जो प्रूफ दिया गया है, जो चीज उनको अवेलेबल है उसी से वो जजमेंट देते हैं। लेकिन उस एग्रीमेंट या उस लेटर के पीछे क्या इंटेंशन है, क्या सब्सटेंस है, वो कंसिडर नहीं करते हैं। और वो कंसिडर करा जाता है या वो किया जाता है थ्रू लॉ ऑफ इक्विटी। एज वी नो दैट वेर एवर द कॉमन लॉ मिसेस द एंट्री ऑफ लॉ ऑफ इक्विटी टेक्स प्लेस, राइट। तो ऑन द अदर हैंड इक्विटी लुक्स टू द स्पिरिट नॉट टू द लेटर। इट लुक्स टू द इंटेंशन ऑफ पार्टीज एंड नॉट टू द वर्ड्स। एक्सप्लेनेशन अगर देखे तो दिस इज द मैक्सिम बाय द मीन्स ऑफ विच एन इक्विटेबल रेमेडी वॉज एस्टाब्लिश्ड विच अलाउज फॉर द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी इंटरप्रेटेड बाय टेकिंग इन टू अकाउंट द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, राइट। तो सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट में सपोज डिफेंडेंट उस कॉन्ट्रैक्ट को अब फुलफिल नहीं कर पाया या कुछ गलती हो गई, लेकिन लॉ कॉमन लॉ क्या करा है? लॉ कॉमन लॉ का एक ही क्लियर बात होगा कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया, दैट्स ऑल, सो ही इज गिल्टी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ इक्विटी कहता है कि अगर उसने फुलफिल नहीं किया तो उसका इंटेंशन क्या था, अगर उसने गलती की है तो उसका इंटेंशन क्या था, उसके पीछे क्या था, वो जानबूझ के उसने किया या उससे हो गया। तो व्हाट इज द इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ इक्विटी डज। दिस प्रिंसिपल इज एनश्राइंड इन द प्रोविजन फॉर रिलीफ अगेंस्ट पेनल्टी एंड फोर फीचर्स व्हिच स्टेट्स दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज टू परफॉर्म इट एंड नॉट द कंपनसेशन। दस द कंपनसेशन मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द डैमेज एंड नॉट बेनिफिट द रिसीवर। ये भी सही है, राइट। डैमेज जो है वो कंपेंसेट होना चाहिए कोई भी बात से, राइट। इस ऐसा नहीं होना चाहिए कि डैमेज बेनिफिट जो रिसीवर है, जो प्लेंटी वो उसको बेनिफिट करता है क्योंकि वो प्रॉफिट में चला जाएगा, राइट। दिस इज व्हाट द इक्विटी क्लेम्स। इन द केस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड इफ द पार्टी फेल्स टू कंप्लीट विद इन अ फिक्स पीरियड इक्विटी अलाउज रीजनेबल टाइम to the party to complete it, right? So this is the thing. In contract, अगर उनको कुछ complete करना है, कुछ obligation करना है, तो अगर वो नहीं कर पाए कोई कारणवश, बराबर, अगर वो intention clear है, उसका जो reason है वो logical या reasonable है, तो equity, law of equity क्या करता है, उनको एक time देता है, reasonable time देता है, फिर से वो अपना contract complete करें या अपना obligation complete करें। एक एग्जांपल लेते हैं। इफ एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज एग्जीक्यूटेड फॉर एनी मैटर देन द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज कंसिडर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन एंड आउट ऑफ दिस द म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन इज क्रिएटेड एंड बाय डिसाइडिंग द लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज आउट ऑफ देम अगेंस्ट ईच अदर देयर एनफोर्समेंट इज मेड एंड इफ समथिंग इज मिसिंग इन इट देन द इक्विटी आफ्टर एग्जामिनिंग देयर इंटेंशन विल डू इट as is reasonable, right? So this is what, if law of or common law misses something, then the law of equity or the court of equity finds out that missing thing and try to do the best thing for it. Ek ek case le lete hain, Paston ji versus Hormast ji in 1903. Ye bhi aisa hi hai, ek case hai mortgagor aur mortgagee ka. The mortgager approaches the mortgagee with the amount of mortgage and makes a representation for redemption of the mortgage. However, the mortgagee by unreasonably demanded
the additional amount of interest which was denied by the mortgagor. In this court, the court held that the submission of the mortgagee was illegal and he was entitled for the redemption of the mortgage. अब ये क्या है, इसके पीछे intention क्या है, उन्होंने क्यों उस पर बढ़ाया है, क्या वो reasonable है वो interest जो बढ़ाना, ये देखता है law of equity या court of equity. Applications कहाँ कहाँ होता है, right to redeem the mortgage, cases of fraud, relief in the cases of penalty and forfeiture, contracts with seal but without consideration. This is another example. ये court of England में क्या होता है, common law में कोई भी agreement है, कोई भी letter या कोई भी judgment अगर seal लग जाता है, that means it is valid, वो law बन जाता है या it is applied हो जाता है. लेकिन law of equity वो नहीं देखता है, right? उसमें consideration है कि नहीं वो देखा जाता है. तो this is what the difference between common law and the court of equity. In some cases of trust, कौन सा है, trust in the form of entreaty. Next, recognition in India, कहाँ कहाँ recognize होता है इंडिया में. In section 60 and section 58 of Transfer of Property Act, section 114 and section 114A of Transfer of Property Act, section 55 of Contract Act and section 74 में ये maxim apply होता है, right? Conclusion. To conclude, it is said that equity always tries to get the actual intention of the contract, not the mere appearance which conceals the real intention. आप समझ गए, actual intention, the intention behind the contract or the act done. Because जो दिखता है वो अलग चीज होता है. The mere appearance always conceals, मतलब पर्दा डाल देता है या तो छुपा देता है the real intention. Okay, so दोस्तों, I hope you understood this maxim. और आप एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप खुद लिख सकते हैं. यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द टाइटल्स एंड द केस जो है वो, और आपके पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस, राइट? और ये मैक्सिम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को भी काम आएगा, राइट? वेदर इट इज PSI, CA, CS जो भी है, सारे लोगों के लिए ये काम आ सकता है, क्योंकि आपको खाली कंसेप्ट क्लियर करना है, समझना है. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please share, subscribe and like my this video and subscribe my channel. Or share karo, itna share karo ke sabko pahunche ye. Okay, so bye, have a nice day.